अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक कम आमदनी वाले अफराद के लिए, कम बजट वाले लोगों के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नई हुकूमत आने से, तो चीज़ें दिन ब दिन महंगी से महंगी होती जा रही हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जो गरीब अफराद हैं, ठीक है, या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए कम बजट प्रोडक्ट लेकर आया हूँ फूड सेक्शन रिव्यू में। तो आज जो मैं फूड का रिव्यू करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बनी इस्तीमल की ब्रेड, ठीक है। तो इसमें पहले मीडियम साइज़ आता था, वो 40 रुपीज़ का था, ठीक है। ये इन्होंने एक नया निकाला है, इसकी कीमत मार्केट में 25 से 30 रुपये के दरमियान है, लेकिन मैंने 28 रुपये का ये बाई किया है मार्केट से। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, कम बजट वालों के लिए या कम आमदनी वाले जो लोग हैं फिर उनके लिए। तो कई लोगों को यानी उन्होंने थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होती चीज़, यानी वो एक ब्रेड लेकर आते हैं मीडियम साइज़ की, तो 3 से 4 दिन निकल जाती है, तो वो ड्राई भी हो जाती है, खुशक भी होती है। तो बनी वालों ने इन लोगों का ख्याल करके मीडियम साइज़ का निकाला है, ठीक है, जो छोटी फैमिली है या कम आमदनी वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाली। इसे हम डिटेल से रिव्यू कर दें। दोस्तों इसका नेट वेट जो है हमारा 200 ग्राम है, जिनके ऊपर मैनेज किया हुआ इन्होंने लिखा हुआ है, और ये बैग पे भी लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ अगर नजर आ जाए। नेट वेट इसका 200 ग्राम है, तो इसके में जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी पीछे मेंशन है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसमें इंग्रेडिएंट्स फ्लोर है, शुगर, वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, सॉल्ट है, ईस्ट है, नॉन फैट मिल्क पाउडर है, और प्रिजर्वेटिव एंड फूड कलर्स वगैरह हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अब इसे स्टूडेंट्स वगैरह या जो बिजी होते हैं लोग वो ईजिली से खरीद सकते हैं। इसे काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रेड पुडिंग बनाई जा सकती है, ब्रेड ऑमलेट बनाया जा सकता है, गुलाब जामुन भी बनाया जा सकते हैं इसके साथ। तो और इसमें क्या है, सैंडविच वगैरह भी बनाया जा सकते हैं इसके साथ। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपको मुनासिब साइज़ चाहिए तो आप इसे ईज़िली ख़रीद सकते हैं जाके मार्केट से। तो मुझे इजाज़त दें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं इस तरह की आपके लिए मज़ेदार किस्म के फूड रिव्यूज़ लेकर आता रहूँगा। पहले जाते हुए मैं आपको एक और बात बता दूँ, पहले इनकी जो ये वाली ब्रेड थी, क्योंकि मैं तो अक्सर इस्तेमाल करता हूँ इसे, रूटीन में यूज़ करता हूँ, तो इसकी जो पहले वाली ब्रेड आती थी तो उसका इसमें आई थिंक फूड कलर इन्होंने डाला हुआ था या पता नहीं क्या था, वो येलो कलर की थी, ठीक है, लेकिन अब मिल्क ब्रेड इन्होंने चेंज की है, वो इन्होंने वाइट कर दिया है। तो क्वालिटी वही है, थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगा है, लेकिन ये ब्रेड अच्छा है, कंपनी लाहौर में ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये इजीली अवेलेबल है हर छोटे मोटे स्टोर पर, जनरल स्टोर पर, मार्ट्स पे, डिपार्टमेंट स्टोर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा दूसरा चैनल है कलर क्लाउड आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, लाफ टेक केयर।